जरा सुनिए, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? एक जरूरी कॉल करना है मुझे। शुक्रिया। हेलो चेरी, मैं हूँ मम्मी। मम्मी, हाँ मम्मी। तुम घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मम्मी, अपने भाई का ध्यान रखो, मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। मम्मी प्लीज, मम्मी ओके, बाय। मम्मी प्लीज, थैंक यू। मैडम, यह सब ठीक है? मेरी 40 साल पुरानी कंपनी की बुनियाद हिला दी, वो आखिर है कौन? वो आया कहां से और क्यों? सच बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जहां तक मैं जानता हूँ, मैंने आज से पहले तुझसे कभी मुलाकात नहीं की। वो आया कौन? तुझे आखिर चाहिए क्या? ये सब क्यों कर रहा है तू? आप अभी फ्री हैं? अगर हैं तो दिल्ली आ जाइए, बाकी बातें वहीं होंगी। दिल्ली? दिल्ली क्यों? मैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जेल में हूँ, आ जाइए वहीं बात करेंगे। सर 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 होल्ड, आधे समय एक दर्जन सेब और संतरे ले आएंगे। यो फ्रूट सर, फल फल, वही सब जो पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। अरे घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप आ गए, बड़ा पंक्चुअल है आप, इसलिए आप वहां हैं जहां आप हैं। लाइए मुझे दीजिए। लीजिए मैडम, सोच कर रही हैं? इन्हें सब लौटाना होगा जो इन्होंने आपसे छीना है। कल इन्होंने कहा कि मेरा $10,000 देंगे, आज ये फ्लूट ले आए, जल्दी ये 10,000 करोड़ भी देंगे। घबराइए मत, हौसला रखिए। मैडम मैडम, अरे मैडम ये फ्रूट क्यों नहीं लेकर गई? प्लीज सर आइए बैठिए, आइए बैठकर बात करते हैं। आप इन्हें जानते हैं सर? नहीं, जब मैं अमेरिका से आ रहा था तो इनसे एयरपोर्ट पर मिला था। वो अपने बच्चों से मिलकर अमेरिका लौट रही थी जो वहां पढ़ते हैं, और एयरपोर्ट पर ही पुलिस अथॉरिटी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, प्लीज आप यहीं रहिएगा, यहाँ हर जगह कैमरा है, तो प्लीज जरा भी होशियारी मत कीजिएगा। मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं यहीं मिलूंगी। ठीक है। उन्होंने मुझे बताया वो काफी सीनियर बैंक ऑफिशियल है, आपने गलत डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया, और अपनी तमाम पॉलिटिकल ताकत का इस्तेमाल करके उसी बैंक से 10,000 करोड़ का लोन लिया जहां वो काम करती थी। बाद में उसी लोन को डिफॉल्ट करवाया, और उन पर एक करप्ट ऑफिशियल होने और रिश्वत लेकर लोन दिलवाने का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें अरेस्ट करवाया। सर मुझे इस तरह मत देखिए, जी मेरा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, आपकी ट्रांजैक्शन और समस्या आपको मुबारक। लेकिन सर, अरे बात जो उन्होंने मुझे बताई उसने मुझे हिलाकर रख दिया, मुझे बहुत दुख भी हुआ। दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने मुझे अरेस्ट करवाया, अगर मैं ना होती तो मेरी जगह कोई और होता, पर एक बात से मैं बहुत दुखी हूँ। बात यह है कि बहुत से मिडिल क्लास लोग अपनी बहुत से कारणों की वजह से, जैसे पढ़ाई लिखाई, खेती के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हम जैसे बैंकों से लोन लेते हैं, और बिना इस बात की परवाह किए कि वो अच्छा कमाएंगे या नहीं, खा पाएंगे या नहीं, वो पाई पाई जमा करके समय से ईएमआई भरते हैं, और अगर कहीं वो एक या दो इंस्टॉलमेंट मिस कर देते हैं तो हम जैसे बैंक उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें धमकाते हैं। उन परिवारों के बारे में तुमने भी सुना होगा जो ईएमआई सही समय पर नहीं दे पाते हैं, वो परिवार जहर खाकर मास सुसाइड कर लेते हैं। दरअसल वो सुसाइड नहीं है, हत्या है। ये हमारे बैंक के कर्मचारियों के जरिए की गई हत्या है। अपने पूरे करियर में मैं भी ऐसी ही 60-70 मौतों की जिम्मेदार हूं।
जहां एक और कुछ लोग 10,000 करोड़, 25,000 करोड़, 5,000 करोड़ का लोन लेकर बैंकों को लूट रहे हैं और बैंक प्रणाली को खोखला कर रहे हैं। संस्थाओं में पैसा लोगों के जरिए हड़पा जा रहा है। इस तरह हमारे देश में बड़े स्टेटस वाले लोग लोन की आड़ में बैंकों को ठगने के इंतजार में बैठे हुए हैं। आज की तारीख में बकाया लोन की कुल राशि है तकरीबन 13,00,000 करोड़ रुपए। अगर केवल इसी राशि का भुगतान और यूज रेगुलराइज कर दिया जाए तो इससे कम से कम बैंक एम्प्लॉइज को कुछ राहत तो मिल जाएगी। जिन परिवारों ने आत्महत्या कर ली उनसे बकाया तो वसूल नहीं हो सकता। मुझे रोना आ गया सर, मुझे मेरे माँ बाप याद आ गए। सर मेरे माँ बाप मर गए क्योंकि वो 15,000 का लोन नहीं चुका पाए, जानते हैं। सिर्फ इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनसे 15,000 का लोन नहीं चुकाया गया। अब सोचो 10,000 करोड़ के लोन के लिए आपको कितनी बार मरना पड़ेगा। आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं सर। मैं ये वादा करता हूँ कि इंडिया छोड़ने से पहले आप कैसे भी ये लोन चुकाएंगे।